हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शिबा इनू कॉइन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, जहां पर एक एक्सचेंज के द्वारा शिबा इनू कॉइन को लिस्ट किया जा सकता है, जैसे कि हिंट निकल कर आ रही है। और साथ ही बर्न पार्टी के बारे में भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि वो कब ऑर्गेनाइज होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं क्रेकन की। क्रेकन एक्सचेंज के द्वारा यहां पर लगभग 2 हफ्ते पहले ये गया था कि वो शिबा को लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो लिस्ट नहीं किया गया। और अभी यहां पर एक हिंट दिया गया है क्रेकन के द्वारा, क्रेकन हिंट साइट लिस्टिंग शिबा इनू कॉइन दिस वीक। यहां पर इस वीक में शिबा इनू कॉइन को लिस्ट किया जा सकता है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो इनके प्रोडक्ट लीड है ब्रायन हॉफमैन, उनके द्वारा हिंट दिया गया है, जो ट्वीट करके जानकारी दी गई। उसके अनुसार अगर आप देखें तो वहां पर उन्होंने डॉज कॉइन का एक इमेज भी शेयर किया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में फाइनली लिस्ट द शिबा इनू क्रिप्टो करेंसी, फीलिंग गुड अबाउट द अपकमिंग वीक, यहां पर इस प्रकार का एक ट्वीट भी किया हुआ। साथ में इन्होंने यहां पर शिबा इनू की इमेज भी शेयर की है। क्रेकन इनिशियली अनाउंसड दैट इट विल लिस्ट द मीम कॉइन ऑन नवंबर 2। इससे पहले आपने देखा था जो वायरल ट्वीट हुआ था 2 नवंबर को, जहां पर ये कहा गया था क्रेकन के द्वारा कि वो शिबा को लिस्ट करने वाले, और ब्रायन हॉफमैन के अकॉर्डिंग ही वो ट्वीट आया था दोस्तों, जहां पर 2000 लाइक की बात की गई थी। लेकिन उससे कहीं ज्यादा लाइक्स यहां पर मिले भी थे, लेकिन उसके बाद अभी तक क्रेकन ने कोई अपडेट नहीं दिया। इस वीक यहां पर इनके द्वारा जो आज ट्वीट किया गया है, मतलब इस वीक में शायद यहां पर कोई न्यूज मिल जाए क्रेकन की तरफ से शिबा इनू कॉइन की लिस्टिंग से जुड़ी हुई। और अगर हम बात करें यहां पर एक और एक्सचेंज की, जेमिनी, तो जेमिनी ने यहां पर शिबा को लिस्ट कर दिया गया है। यहां पर सपोर्ट शिबा का मिलने लग चुका है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग अभी इस एक्सचेंज पर शुरू नहीं हुई है। तो 2 बड़े एक्सचेंज इस वीक में शिबा इनू कॉइन को लिस्ट कर सकते हैं, साथ ही वहां पर ट्रेडिंग भी शुरू हो सकती है। और दोस्तों, हम इतनी ज्यादा चर्चा इस एक्सचेंज की इसलिए भी कर रहे हैं कि यह एक्सचेंज काफी पुराना है। लगभग 10 साल पहले क्रेकन एक्सचेंज लॉन्च हुआ था और बहुत ही तेजी से इसने ग्रोथ भी की हुई है। और अगर हम यहां पर बात करें तो लगभग 176 कंट्रीज में ये अवेलेबल है, लगभग 72 से ज्यादा क्रिप्टोकरेंसी यहां पर इनके एक्सचेंज पर अवेलेबल है। अगर हम अभी की बात करें दोस्तों, तो मिलियन ऑफ यूजर्स इस एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं, जिस वजह से शिबा अगर इस एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो वहां पर शिबा के प्राइस पर हमें फर्क जरूर देखने को मिलेगा। अगर अभी की बात करें तो अभी प्राइस स्टेबल है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं जो लिस्टिंग है उससे जुड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, यहां पर ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई है। और इसके अलावा अगर हम बर्न पार्टी की बात करें दोस्तों, जो आज के दिन होने वाली है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो टाइमिंग है वो सीएसटी के अनुसार है, मतलब 8 PM सीएसटी को यहां पर ये जो बर्न पार्टी है ये ऑर्गेनाइज की जाएगी स्टीवन कूपर के द्वारा। और काफी ज्यादा इसकी चर्चा भी हो रही है दोस्तों, क्योंकि यहां पर एक बड़ी क्वांटिटी में शिबा इनू टोकन को बर्न किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा काफी समय हो चुका है जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में शिबा को बर्न किया गया था, तो यहां पर यह बड़ा बर्निंग इवेंट है और उसकी काफी ज्यादा चर्चा है। और यहां पर यह भी माना जा रहा है कि इसके बर्न होने से यहां पर प्राइस पर कुछ इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें दोस्तों, तो यह समय हो रहा है 7:30 AM ट्यूसडे, मतलब कल के दिन। अगर हम इंडियन टाइम की बात करें तो यह पार्टी ऑर्गेनाइज होगी कल के दिन सुबह लगभग 7:30 बजे। तो यहां पर जो पार्टी ऑर्गेनाइज की जाएगी दोस्तों, वो कल के दिन सुबह 7:30 बजे होगी। तो यहां पर हर किसी को इस पार्टी का इंतजार है, और यहां पर बिलियन में टोकन जो है वो बर्न होंगे, तो उसका इंपैक्ट यहां पर हमें देखने को मिल सकता है, ऐसी हमारी उम्मीदें हैं। और उम्मीद ये भी है कि यहां से शिबा के प्राइस में फिर से हमें एक बड़ा पंप देखने को मिलेगा, शिबा फिर से यहां पर 5 और 6 की सीरीज में आता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, और कोई भी अपडेट निकल कर आती है शिबा इनू कॉइन या क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी, तो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।